हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपकी अपनी कंपनी में स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूं आप सभी लोगों के लिए काफी अच्छा वीडियो। तो वीडियो जो होने वाला है उन भाइयों के लिए वीडियो होने वाला है जो अपने घर बैठा एक व्यापार करना चाहते हैं, बहुत ही कम लागत के साथ अगर अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, एक लघु उद्योग अपने घर से आप करना चाहते हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाले। क्योंकि इस बिजनेस में आप कम से भी कम 10 से 15 हज़ार रुपये अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अपने घर बैठे एक छोटा लघु उद्योग कर सकते हैं, जिससे आप महीने के हज़ारों लाखों रुपये कमा सकते हैं। अगर आप एक अच्छा बिजनेस इस्टेब्लिश करते हैं और होम बेस्ड आप बिजनेस करते तो काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि एलईडी बल्ब का एक ऐसा बिजनेस है जो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रोविंग करने वाला है, और पिछले 2 या 3 सालों से इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोविंग हुई है। तो आज इसके अंदर जो जो मटेरियल होने वाला है और जो जो प्रोडक्ट्स होते हैं, मैं आप सभी लोगों को वो सारे प्रोडक्ट्स दिखाने वाला हूँ और उनके क्या प्राइजेज होने वाले, वो बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त प्राइस होने वाले। तो जो भी भाई प्राइस जानना चाहता है हमारे व्हाट्सएप पर दिए हुए नंबर पर हमें मैसेज कर सकता है, उसको प्राइजेज मिल जाने। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस जो हमारा मटेरियल होता है, यह जो एलईडी बल्ब का बिजनेस है वो प्रॉफिट कैसे देता है। तो यह बिजनेस आपको प्रॉफिट देता है 30 से 40% का, कम से कम लोवेस्ट प्रॉफिट जो होता है 20 से 30% का होता है। तो ये कैसे होने वाला है ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो हमारा एक बल्ब होता है DOB वाला बल्ब, जिसको हम बोलते हैं नॉन गारंटी वाला बल्ब, जो आपको मात्र 10 रुपये की रेंज में अवेलेबल हो जाता है, जिसको आप बाजार के अंदर बेच सकते हैं 30 रुपये 40 रुपये। अगर आप चाहते हैं तो 100 के 4 या 100 के 3 भी बेच सकते हैं, इस प्रकार की इसकी पैकिंग हो जाती है। तो ये वाला बल्ब आपको मात्र मिलता है 30 रुपये, जो आप सेल करते हैं वो 30 रुपये का, और जो आपको मिलेगा मात्र 10-11 रुपए की रेंज में आपको मिल जाता है। अगर बल्क क्वांटिटी है तो प्राइस और भी स्लाइटली नेगोशिएबल है। अब इसके बाद जो और एक बल्ब आता है जो होता है हमारा गारंटी वाला बल्ब, तो यहाँ पे आप पीछे देखेंगे जो बल्ब है यहाँ पे रखा हुआ है, ये वाला बल्ब जो है गारंटी वाला बल्ब है, जिसके अंदर 9 LED लगी हुई है, जिसको 9 वाट गारंटी वाला प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये भी एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट हो जाता है। अब इसके अंदर जो ड्राइवर PCB लगे होते हैं वो मैं सारी चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ कि किस में क्या क्या चीज़ लगी होती है। तो यहाँ आपको काफ़ी अच्छी वैरायटीज़ में आइटम मिल जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो गारंटी वाला प्रोडक्ट होता है, जिसको हम 9 वाट का HPF क्वालिटी का बल्ब बोलते हैं, मैं उसको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारा 9 वाट का रेडी ये बल्ब जो है विद पॉलिथीन में इस प्रकार यहाँ पे बनाया गया है रेडी, ये आप देखेंगे कि कितनी अच्छी इसकी शाइनिंग। तो प्रोडक्ट यहाँ पे आप जो देख रहे हैं सारा का सारा गारंटी वाला प्रोडक्ट हो जाता है, जो कि बहुत ही शानदार क्वालिटी का होता है। ये इसका जो ड्राइवर और PCB होता है, यहाँ पे आप देखेंगे 9 LED के साथ HPF क्वालिटी का ये ड्राइवर होता है। तो ये जो बल्ब होता है ये हमारा 9 वाट का HPF क्वालिटी का बल्ब होता है। अब ये जब इसको बनाते हैं तो ये मैं सारा आपका प्रोसेस भी दिखाने वाला हूँ कि ये बल्ब किस प्रकार बनाया जा सकता है, कि आप कम से कम समय में कैसे आप अपना घर पे बैठे व्यापार कर सकते हैं, कैसे एक लघु उद्योग लगा सकते हैं। तो अगर आप यहाँ बात करेंगे तो यहाँ रॉ मटेरियल की कोई भी कमी नहीं होने वाली है, आपको भरपूर यहाँ पे स्टॉक मिलने वाला है। ये ड्राइवर्स जो होते हैं, ये इसका जो हमारा DOB वाला 10 रुपये का जो बल्ब होता है उसको कैसे बनाया जाता है, तो यहाँ पूरा का पूरा आप देखेंगे डिफ्यूजर है ये बॉडी के अंदर बना हुआ। तो ये सारे रॉ मटेरियल्स यहाँ आपको मिल जाएंगे। ट्यूबलाइट भी आपको 4 फुट की मिल जाएगी, आप देख रहे होंगे 100-100 पीस का इस प्रकार का कार्टून होता है ट्यूबलाइट का। उधर आप देखेंगे 300 पीस का बल्ब ये जो रेडी प्रोडक्ट है। तो यहाँ प्रोडक्ट्स की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा B22 कैप होता है एल्युमिनियम विद वायर वाला, ये कैप मिल जाता है गारंटी वाले जो हमारे प्रोडक्ट बना हुआ है जो बल्ब है उसका, यहाँ पे मटेरियल है जो रेडी हो रहा है। तो यहाँ आप अगर बात करेंगे कि सेल की, अब आपको प्रॉफिट कैसे होने वाला है ये मैं सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो हमारा ये बल्ब का जो ड्राइवर PCB वाला बल्ब होता है, इसको बनाएंगे कैसे, आप कैसे एक लघु उद्योग स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो गाइस यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये जो हमारा ड्राइवर वाला बल्ब होता है उसकी जो PCB होती है 9 LED के साथ, ये हमारा ड्राइवर होता है 4KV 440 वोल्टेज पास, ये इसकी बॉडी हो जाती है, ये निकल कैप होता है, ये स्क्रू होता है 8C कंपाउंड। तो ये सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो हमारी हीट सिंक प्लेट होती है, इस वाली हीट सिंक प्लेट पे जो हमारा हीट सिंक कंपाउंड होता है इसको लगाया जाता है। इससे क्या होता है कि जो हमारे बल्ब की हीटिंग है वो आसानी से ट्रांसफर हो जाती है। अब ये हीटिंग अगर ट्रांसफर होती है तो जो हमारा बल्ब है उसकी लाइफ ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद इस पर यहाँ ये PCB लगाई जाती है, तो ये कंटिन्यू सारे प्रोसेस इस प्रकार हो जाते हैं। तो ये PCB यहाँ पर लगा दी गई है। अब इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट प्रोसीजर है, जो हमारा स्क्रू ड्राइवर होता है, ये वाला स्क्रू ड्राइवर की जो होती है सप्लाई होती है, ये हमारा स्क्रू ड्राइवर होता है। अब इसकी मदद से हम इसमें स्क्रू को टाइट कर दिया जाता है। तो इससे क्या है, स्क्रू ड्राइवर की मदद से बहुत कम टाइम में इसको टाइट कर दिया जाता है और बहुत ही आसान तरीके से इसको
कनेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारा ड्राइवर पीसीबी है वो किस प्रकार यहाँ बहुत ही आसान तरीके से कनेक्ट हो चुका है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है, नेक्स्ट प्रोसेस में जो हमारा ये ड्राइवर होता है, ड्राइवर को इसमें कनेक्ट कर दिया जाता है पीसीबी के साथ। तो यहाँ आप देखेंगे पहले इसमें शोल्डर पेस्ट लगा लिया जाता है, इससे क्या है कि जो हमारे सोल्डरिंग करने में जो प्रोसेस है वो बहुत आसान हो जाता है और बहुत आसानी से इसमें सोल्डरिंग कर दी जाती है। तो ये आपने देखा कि सिंपल, बस हमें जो यहाँ पे ध्यान रखना है प्लस वाले को रेड के साथ और माइनस वाले को ब्लैक के साथ आपस में कनेक्ट कर देना है। ये हमें विशेष ध्यान रखना है, अगर हमारे कनेक्शन उल्टे होते तो हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेंगे। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है एक बल्ब बनाने का। तो यहाँ पे आप देखा कि जो हमारा ड्राइवर पीसीबी है, ये आप देखेंगे ड्राइवर पीसीबी विद हीट सिंक प्लेट के साथ है, ये कनेक्ट हो चुका है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर है इस बॉडी के अंदर इसको फिट करने का है। तो अब इसके अंदर जो बॉडी के अंदर फिट करने वाले, यहाँ पे दो पॉइंट्स होते हैं, ये हमारे नॉच होते हैं, अगर हम इनके अंदर ड्राइवर लगाते तो हमारा ड्राइवर नहीं हिलता है। तो अब इसके बाद जो प्रोसेस है, हमने जो अपने ड्राइवर पीसीबी है, ड्राइवर पीसीबी को बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है, नेक्स्ट प्रोसेस में ये जो हमारी टिक्की फिटिंग मशीन होती है, इस प्रकार की जो टिक्की फिटिंग मशीन है जिसके साथ टू डाय मिलती हैं, एक 9 वाट का, एक 12-15 वाट का डाया मिलता है। तो ये वाला हमारा यहाँ पर टिक्की फिटिंग, तो इसकी मदद से हम इसको प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ही सिंपल प्रोसेस है ये हमारा, कि हमने जो टिक्की फिटिंग मशीन थी उसकी मदद से इसकी हीट सिंक प्लेट को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब आप देखेंगे कि हमें विशेष ध्यान रखना है कि जो हमारी हीट सिंक प्लेट है वो अच्छी तरीके से इसमें कनेक्ट हो जानी चाहिए, जिससे कि क्या है कि हमारी हीटिंग अच्छे से ट्रांस। तो आप देखेंगे भी कि बॉर्डर पर यहाँ पर ये जो एल्युमिनियम वाला पार्ट था बॉडी के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें इंसर्ट हो चुका। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में हमारा जो कैप होता है, कैप को यहाँ पर जो हमारी मशीन होती है जिसको कैप पंचिंग मशीन बोलते हैं, इसकी मदद से इसको यहाँ पे लॉक कर दिया जाता है। तो ये जो कैप पंचिंग मशीन होती है, टिक्की फिटिंग मशीन होती है, ये दो मशीनें हमारी हो जाती है। अब इस कैप पंचिंग मशीन की मदद से आप देखेंगे कि किस प्रकार हमें जो हमारा B22 है उसको लॉक किया जाएगा। तो हम इसको B22 को इसमें लगा लेते हैं, तो आप देखेंगे कि हमने जो हमारा B22 है उसको लॉक कर दिया गया। अब B22 लॉक होने के बाद आप देखेंगे कि हमारा बल्ब बिल्कुल 90% इसमें रेडी है, बस हमें एक यहाँ पे एक डिफ्यूजर लगाना है और इसको कैप को सोल्डरिंग करना है। तो इसके बाद आप देखेंगे कि कैसे सोल्डरिंग करके इसके B22 कैप को फिट किया जाता है। तो आप देखेंगे जो हमारी एक्स्ट्रा वायर होती है उसको हम कटर की मदद से काट देते हैं, बड़े ईजी ये प्रोसेस है। इसके बाद हमें क्या करना है, इस पर सोल्डरिंग करनी है। एक्स्ट्रा वायर को काटने के बाद हमें यहाँ पे सोल्डरिंग कर देंगे इस पर। तो इसकी आइस पे सोल्डरिंग करने के बाद हमारा जो बल्ब है वो 100% रेडी है टू चेकिंग। फिर इसके बाद हम इसको सीरीज से मैन पर हम चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सीरीज हमने बनाई हुई है, सीरीज से अब हम इसको चेक करते हैं। तो सीरीज पे चेक करेंगे, देखेंगे आप कितनी ज़बरदस्त इसकी ब्राइटनेस हो जाए। तो आपने देखा एक सिंपल प्रोसेस में कैसे इसको बना दिया गया। अब इसके बाद इस पर डिफ्यूजर लगा दिया जाता है। तो एक ऐसा सिंपल प्रोसेस है जिसको आप अपने घर बैठे बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो गाइस मैंने आपको सारी चीज़ें दिखाई कि अगर आप अपना लघु उद्योग स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने घर बैठे एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। तो जो भी भाई अपना बिजनेस स्टार्टअप करना चाहता है स्क्रीन के दो नंबर पे हमें कॉल कर सकता है, एक बार विजिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मिलने वाला है बेस्ट ऑप्शन और बेस्ट रॉ मटेरियल। तो अगर वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर से आप सभी लोगों से मुलाकात होगी एक नई और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।